हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है सूप की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही चटपटा सा सूप है ये। तो देख लेते हैं रेसिपी। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है और कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाती है इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब तेल और एक चम्मच के करीब बटर। तो दोनों चीज़ें मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो बटर को हल्का सा मेल्ट हो जाने देंगे। आप चाहें तो सिर्फ तेल में भी इसे बना सकते हैं, बटर से हमारा सूप थोड़ा टेस्टी बनेगा। तो बटर मेल्ट हो गया है यहाँ पे हल्का सा। इसमें मैं डाल रही हूँ दो लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई और थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ 1/4 चम्मच के आसपास, और इसे भून लेंगे। पंद्रह से 20 सेकंड तक इसे हमें भून लेना है। और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। तो 2 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ प्याज है ये इसमें डाल देती हूँ मैं। अगर आपके पास हरे वाला प्याज है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं, तो इस प्याज की जगह पे वो प्याज इसमें डाल सकते हैं। और इसे भी हम हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। और यहाँ पर प्याज हमारे हल्के सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून के करीब बारीक कटी हुई। तो सब्जियों को बहुत ही बारीक कट करना है। और 3 से 4 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर मैंने पत्ते वाली गोभी ली है, कैबेज, और ये भी इसमें डाल देंगे। तो ये भी मैंने बारीक कट किया है और इसे भी भून लेंगे 15 सेकेंड तक। आप इसमें चाहें तो गाजर भी ऐड कर सकते हैं बारीक कटी हुई। तो यहाँ पर सब्जियों को मैंने भून लिया है, सब्जियों को गलाना बिल्कुल भी नहीं है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ सॉस। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब सोया सॉस। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। रेड चिल्ली सॉस डाल रही हूँ 1/2 चम्मच से, थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून है टमाटो सॉस। सभी चीज़ों को मिलाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। तो मैं यहाँ पर 1 ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ इसमें। और इसमें मैं डाल रही हूँ अब 1/2 चम्मच के करीब वाइट विनेगर। तो विनेगर डाल दिया मैंने इसमें। और अब डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार नमक और साथ में 1/4 चम्मच का भी आधा काली मिर्च का पाउडर। और एक बॉयल आने देते हैं इसमें। और यहाँ पर लिया है मैंने 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर, और इसमें हम पानी डालकर इसका एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो मैं इसमें 1/4 कप के करीब पानी डाल देती हूँ और इसका हम एक घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का घोल हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारा घोल ये तैयार हो गया है और हमारा सूप भी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो ये घोल हम इस सूप में डाल देंगे और उसके बाद इसे हमें 2 मिनट तक पका लेना है फुल फ्लेम पर लगातार चलाते हुए। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा चटपटा सूप पसंद है तो। इसे हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो हमने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है छोड़ने पे वो जम जाएगा, तो इसे चलाते रहना है। और ये देखिए सूप में बॉईल आ गया है। तो इसे हमें 2 मिनट तक इसी तरीके से बॉईल कर लेना है लगातार चलाते हुए, और जैसी भी थिकनेस चाहिए सूप की उस अनुसार इसे बॉईल कर लेंगे। और उस अनुसार इसमें पानी भी ऐड करेंगे। अगर ज़्यादा थिक चाहिए सूप तो पानी कम ऐड करें, अगर थोड़ा पतला चाहिए तो इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें केवल 1 ग्लास पानी ऐड किया है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है इसकी थिकनेस। और 2 मिनट के बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट हो गए हैं और ये हमारा सूप बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक बोल में।
लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये चटपटा मज़ेदार सूप बन के तैयार है। तो इस तरीके से इंस्टेंट सूप ज़रूर ट्राई करें और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और मेरे साथ कमेंट करके भी शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।